भावनगर में वन विभाग कर्मचारी पड़तर मांगणियों ने लई अनोखो विरोध प्रदर्शन कर्यु। भावनगर फॉरेस्ट कॉलोनी खाते वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी 72वां जन्मदिवस निमित्ते 72 वृक्षों रोपण कर लीली पट्टी धारण कर अनोखो विरोध कर वनरक्षक वनपाल ग्रेड पे में सुधारो करने की मांग कर। सत्ताधार में वन कर्मचारी वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस अनोखी रीते विरोध कर्यो हतो। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी 72वां जन्मदिवस निमित्ते 72 वृक्ष वावीने विरोध कर्यो। वृक्ष ने पोते लीली पट्टी धारण करीने कर्मचारी विरोध नोंधाव्यो। त्यारे छेल्ला 12 दिवसथी वन विभाग गार्ड और फॉरेस्ट की हड़ताल चाली रही है, तो जूनी पेन्शन योजना, ग्रेड पे, रजा पगार सहित मुद्दे वन कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। ओडिशा में पीएम नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस की अनोखी रीते उजवणी करवामां आवी हती। गौशाला संचालकोए गायनो मुखवटो पहेरी केक कापी पीएम मोदी ने जन्मदिवस की शुभेच्छा पाठवी। गौशाला संचालकोए जणाव्युं कि पीएम मोदी अने अमे जन्मदिवस की शुभेच्छाओ पाठवीए छीए, सरकार जल्दी गायों ने सहाय चूकवे तेवी मांग करवामां आवी। देशना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी 72मो जन्मदिवस निमित्ते शक्तिपीठ बहुचराजी में विविध कार्यक्रमों आयोजन करायो हतो। शक्तिपीठ में बहुचर ने 72 किलो लाडू गोख भराई विशेष पूजा तथा यज्ञ आयोजन करायो। त्यारे प्रदेश महामंत्री रजनी पटेल, त्यारे ट्रस्टी किरीट पटेल, सुखाजी ठाकुर साथे मोटी संख्या में लोग पूजा में हाजर रहा था। नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस निमित्ते मणिनगर मेडिकल कॉलेज नाम नरेन्द्र मोदी कॉलेज राखवामां आव्यु। मेडिकल स्टूडेंट विद्यार्थियों गरबा कर्या, फटाकड़ा फोड़ी ने उजवणी कराई। त्यारे एलजी हॉस्पिटल स्थित मेड कॉलेज नाम बदली नरेन्द्र मोदी मेड कॉलेज नाम आपवामां आव्यु। सीएम भूपेन्द्र पटेल हस्ते नरेन्द्र मोदी मेड कॉलेज नाम आपवामां आव्यु। मणिनगर मेडिकल कॉलेज हवे नरेन्द्र मोदी कॉलेज तरीके ओळखाशे। सूरतना पीपलोद खाते आवेली डिसेबल वेलफेर ट्रस्ट संचालित दिव्यांग शाला पीएम मोदी 72मा जन्मदिवस की उजवणी करवामां आवी हती। तो केन्द्रीय रेल राज्य अने टेक्सटाइल मंत्री दर्शना जरदोसे दिव्यांग बाळको साथे केक कापी पीएम मोदी जन्मदिवस की उजवणी करी हती। भावनगर शहर में यूथ कांग्रेस और भावनगर शहर कांग्रेस समिति द्वारा वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस निमित्ते रोजगार दिवस ने बेरोजगार दिवस तरीके मनावी अनोखो विरोध करवामां आव्यो। तो देश में जे प्रमाणे बेरोजगारी नुं प्रमाण वधी रह्युं छे तेने लईने भावनगर यूथ कांग्रेस और भावनगर शहर कांग्रेस समिति द्वारा शहर नीलम बाग सर्कल पास चूड़ो सड़गामीने तेना पर पकोड़ा बनावीने अनोखो विरोध करवामां आव्यो हतो। धोड़का शहर यूथ कांग्रेसे प्रधानमंत्री जन्मदिवस ने विश्व बेरोजगारी दिवस तरीके मनाव्यो। धोड़का टावर बजार खाते यूथ कांग्रेस प्रमुख सहित कार्यकरोए पकोड़ा तड़ी ने विरोध करता पुलिसे तमाम लोकोनी अटकायत करी। यूथ कांग्रेस कार्यक्रम में विद्यार्थी और कांग्रेस कार्यकरो मोटी संख्या में हाजर रहा था। डभोई तालुकाना वढवाणा खाते वनरक्षक अने वनपाल कर्मचारी 12 दिवस थी अचोक्कस मुदत की हड़ताल पर है। त्यारे आज गुजरात राज्य वनरक्षक अने वनपाल कर्मचारी मंडल नेजा हेठळ सूत्रोच्चार करी मांगणी संतोषवा माटे विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं। त्यारे वनरक्षक कर्मचारी द्वारा मांगणीओ नहीं संतोषाय त्यां सुधी अचोक्कस मुदत की हड़ताल पाड़वानी चीमकी उच्चारवामां आवी हती। डभोई में एसटी डेपो ड्राइवर कंडक्टर सहित कर्मचारी यूनियन द्वारा पड़तर प्रश्नों ने लेने विरोध प्रदर्शन करवामां आव्यो। तो डभोई एसटी डेपो 150 उपरांत कर्मचारी सरकार सामे भारे सूत्रोच्चार करी विरोध प्रदर्शन कर्यो। पड़तर प्रश्नों जल्दी निराकरण आवे तेवी मांग करवामां आवी। आगामी 22 सप्टेम्बर रोज तमाम कर्मचारी मास सीएल पर जवानी चीमकी पण उच्चारी छे। तो हिम्मतनगर में प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख जैनीबेन ठुमरे महिला कारोबारी योजी हती, जेमा नवीन महिला तालुका प्रमुखे तेमज महिलाओं की नवीन वरणी करवामां आवी हती। तो आगामी विधानसभा की चूंटणी में कई रणनीति नक्की करवामां आवी छे, तो बूथ लेवल थी महिलाओं ने मजबूत बनावानी वात पण जैनीबेने करी हती। एक पत्रिका पण महिलाओं ने आपवामां आवी हती।
800 करोड़ कौभाड मामले पूर्व गृहमंत्री और बनास डेरी पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी की धरपकड़ कर खरवड़ा सागथड़ा और खेरालू विस्तार में विपुल चौधरी ने जेल में मुक्त करने पोस्टरो लाग्या छे। जो विपुल चौधरी ने मुक्त नहीं करवामां आवे तो चूंटणी प्रचार माटे गाममां प्रवेश करवो नहीं तेवा पोस्टर लाग्या छे। कर्मचारियों ने जूनी पेन्शन योजना और माजी सैनिकों की मांगणियों ने लईने कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। प्रेस कॉन्फरेंस दरमियान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुरे सरकार पर तीखा प्रहारो करता कह्युं के सरहद की रक्षा करनारा सैनिकों पोतानी मांगणियों ने लईने गांधीनगर में विरोध कर रहा छे। ते दरमियान पुलिस द्वारा तेमना पर लाठीचार्ज करवामां आव्यो जेमां एक सैनिक नुं मौत थई गयुं छे ते दुखद बाबत कही शकाय। सरकारे खरेखर जुलम बंद करी सैनिकों की मांगणियों नो निकाल करवो जोईए तेमां जूनी पेन्शन योजना लागू करवी जोईए। कांग्रेसना पूर्व प्रदेश प्रमुख अर्जुन मोडवाणिया वडोदरानी मुलाकाते हता त्यारे तेमणे सरकार पर शाब्दिक प्रहार करता कह्युं के सैनिकों देश माटे पोतानुं जीवन बलिदान करी रह्या छे त्यारे अने आजे सैनिकोए भाजपना राजमां पोताना हक्को माटे आंदोलन करवुं पड़े छे शर्मजनक बाबत छे। त्यारे भाजपना राजमां सैनिकों पर लाठीचार्ज करवामां आव्यो जेना कारणे एक सैनिकनुं मौत थयुं। तेवी ज रीते हाल राज्यमां सरकारी कर्मचारीओनो विविध मांगणीओने लईने आंदोलन करी रह्या छे ते आंदोलनने कांग्रेस पार्टी समर्थन करे छे। ઓડિશા સાંઈબાબા મંદિર ખાતે સરકારી કર્મચારીઓ ધરણા કર્યા હતા। સરકાર દ્વારા પડતર માંગણીઓના મુખ્ય મુદ્દો ન સ્વીકારાતા સરકારી કર્મચારીઓ નારાજ થયા। વર્ષ 2005 પછીના કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવાની ઉગ્ર માંગ કરી તો સરકાર દ્વારા મુખ્ય માંગ નહીં સ્વીકારે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। आम आदमी पार्टी ना नेता गोपाल इटालिया प्रेस कॉन्फरेंस योजी सरकार पर तीखा प्रहारो करता कह्यु कि जूनी पेन्शन योजना मामले विरोध करी रहेला कर्मचारीओनी मांग सरकारे पूरी करवी जोईए। भाजप सरकारना इरादा मैला अने तेमनी नीति खराब छे एटले तो अन्य कर्मचारीओ पासे स्क्रिप्ट वांचीने भाषण करावाय छे। तेमणे वधुमां कह्युं के 15 दिवसमां सरकार जूनी पेन्शन योजना मामले निर्णय नहीं ले तो केजरीवाल अने आम आदमी पार्टी आ योजनानी जाहेरात करशे। अमदावाद शहर हाटकेश्वर विस्तार में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्यो हतो। कांग्रेस कार्यकरो द्वारा मोंघवारी और बेरोजगारी ने लईने विरोध करवामां आव्यो हतो। 50 थी वधु कांग्रेस कार्यकरो द्वारा पुलिस की परवानगी वगर रेली योजी विरोध करवामां आवता पुलिसे तमाम कार्यकरो की अटकायत करी हती। राज्य सरकार आरोग्य विभागे राज्य की जनता माटे महत्वनो निर्णय कर्यो छे। आ निर्णय थी दर्दीओ अने तेमना सगा संबंधीओ ने लाभ थशे। सरकारे ओपीडी ना समय में फेरफार कर्यो छे। हाल में हॉस्पिटल में ओपीडी नो समय सवारे 9 થી 1 छे अने सांजे 3 થી 5 नो होय छे जेमां हवे फेरफार करता 8 કલાક ओपीडी रहेशे। सरकारे ओपीडी ना समय में 2 કલાક नो वधारो कर्यो छे जेनाथी सरकारी हॉस्पिटल में मोड़ी रात सुधी ओपीडी चालू रहेशे। भावनगर में पण सरकारना विविध 18 विभागोना कर्मचारीओ स्वयंभू मास सेलमां जोड़ाया छे। भावनगर जिल्लाना 8000 शिक्षकोमांथी 800 शिक्षकों फरज पर हाजर रह्या हता ज्यारे बाकीना तमाम कर्मचारीओ मास सेलमां जोड़ाया हता। जूनी पेन्शन योजना लागू करवानी मांग साथे सरकारना विविध 18 विभागोना कर्मचारीओ स्वयंभू पोतानी सीएल राखी हती त्यारे तलाटी मंडळ सचिवालय विभाग फॉरेस्ट विभाग आईटीआई विभाग त्यारे खेतीवाड़ी विभाग सहित 18 विभागों कर्मचारी मां सीएल में जोड़ाया हता। साबरकांठा जिला में 1200 थी वधु शालाओं में 6200 शिक्षकों से जारे प्राथमिक शिक्षक संघ ना सरकारे केटली मांगणी स्वीकारवा छता मां सीएल पर उतर्या छे ते मोटा भागनी शालाओं बंद राखवामां आवेल शिक्षक संघ नो प्रमुखे दावो कर्यो छे कि तमाम शिक्षकों मास सीएल पर जोड़ाया छे अने तेमने विरोध चालू ज रहेशे। आगामी दिवसों में गांधीनगर खाते राज्य में तमाम शिक्षकों मीटिंग बाद अन्य विरोध कार्यक्रम में पण शुरू थाय तेवी शक्यताओ जोवा मळी रही छे। तो जिल्लानी ग्राम पंचायतोना वीसी कर्मीओ पड़तर मांग ने लईने अनोखो विरोध करवामां आव्यो। अरवली जिल्लाना वीसी कर्मचारीओए गिबीनाथ महादेव मंदिरे रामधून अने सूत्रोच्चार कर्या तो ग्राम पंचायतना प्रणेताना जन्मदिवसे मांग स्वीकाराय तेवी मांग करी
जेमां जिल्लाना 150 થી વધુ વીસીના કર્મચારીઓ જોડાયા હતા। तो बनासकांठा जिला भाजप किसान मोर्चा ना प्रमुख टीबी राजपूते लाखणी में प्रेस कॉन्फरेंस योजी थी, जेमां तेमणे माहिती आपता जणाव्युं कि 20 सप्टेम्बर थी गुजरात में नमो किसान पंचायत रत्न जेपी नड्डा द्वारा प्रस्थान करवामां आवशे। तेमां समग्र बनासकांठा जिला में 20 सप्टेम्बर थी 10 ऑक्टोबर सुधी नमो किसान पंचायत कार्यक्रम योजाशे। भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष गोर्धन झड़फियाए विधानसभा की चूंटनी पहला महत्वनु निवेदन आप्यु हतु। तेमणे कह्यु के गुजरात विधानसभा की तमाम 182 बैठकों पर चूंटनी जीतवानी तैयारी दर्शावी छे। भाजप द्वारा आगामी चूंटनी माटे तमाम बैठकों पर एलआईडी टीवी स्क्रीन द्वारा प्रचार प्रसार करवामां आवशे, तेमज लोकोने केन्द्र सरकार अने राज्य सरकार ने विविध योजनाओ विषे माहिती आपवामां आवशे। सांतलपुर में कच्छनु नानु रण अने गुड़खर अभ्यारण्य 5000 चौरस किलोमीटर वर्ग में पथरायेलू छे, त्यारे सीजन ना सारा वरसाद ना पगले पाटण जिल्ला में 150% वरसाद नोंधायो छे, त्यारे सांतलपुर गुड़खर अभ्यारण्य दरियो बन्यो छे अने चारे तरफ पाणी भराता मीठू पकवता माटे राह जोवी पड़शे, त्यारे अभ्यारण्य में वरसादी पाणी भराता रस्तो बंद करवामां आव्यो छे। शियाळानी ऋतु में अहीं फ्लेमिंगो तेमज विविध पक्षी आवता होय छे, परंतु आ वर्षे अहीं प्लास्टिक सहित विविध कचरो एकठो थयो छे, जे पर्यावरणने नुकसान पहोंचाड़ी रह्यो छे। उमरगाम तालुका में नारगोल डेपो 1953 वर्ष में शुरू थयो हतो, त्यारे 50 થી વધુ रूट अहींथी उमरगाम डेपो थी 60 થી વધુ एसटी रूटो हता। तो आज नारगोल डेपो खंडेर बन्यो छे, ढोर बांधवानो स्थान बन्यो छे। 53 गामों में चलता आंतरिक एसटी रूटो बंद थता रक्षाना मोंघादाट भाड़ा आज एक समस्या बनी छे। विकास मात्र मोटा शहरों में श्रीमंतों माटे थयो छे तेवुं लागी रह्युं छे। आज डेपो वगरना उमरगाम तालुका में बहार गाम थी आवती बसों दरिया किनारे पार्क करवामां आवे छे। तो सूरतना पर्वत पाटिया पासे आवेला संस्कृत एपार्टमेंट में सवारना समय लिफ्ट में एक महिला फसाई जवानी घटना बनी। फायरना जवानोए मशीन वडे लिफ्टनो दरवाजो तोड़ी महिला सहित सही सलामत बहार काढवामां आवी, त्यारे महिला लगभग 30 मिनिट सुधी लिफ्ट में फसाई रही थी। फायरनी टीम महामहेनते महिला ने बहार काढवामां आवी छे।